मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक के बाद एक गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मंडला जिले के बिछिया नगर परिषद का है, जहां पात्र हितग्राहियों को अपात्र बताकर उन्हें शासन की योजना से वंचित किया जा रहा है। वहीं बिछिया नगर परिषद के सीएमओ संजय निरुला ने बताया कि सर्वे सूची अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से प्राप्त होती है, उसी के आधार पर हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। ये भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना BLC इस नकाय क्षेत्र भुआ बिछिया में BLC घटक लागू है, इसके तहत कच्चे आवासों को पक्का करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो योजना चलाई गई है पूरे देशव्यापी योजना है। इसमें BLC के तीन मुख्य घटक हैं। पात्रता की तीन मुख्य शर्तें हैं। पहला तो हितग्राही का आवास जो है वो कच्चा होना चाहिए। दूसरा, हितग्राही का स्वयं का आवास होना चाहिए, स्वयं के स्वामित्व का होना चाहिए। और तीसरा, उसकी आय जो है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा हितग्राही जो है और निकाय क्षेत्र का निवासी है वो पात्रता की श्रेणी में आता है। अभी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कुछ लोगों के जो है नाम जो है जिनके पक्के मकान हैं उनको भी जो है पात्र किया गया है, और जिन जो बिल्कुल गरीब हैं कच्चे मकान उनको जो है अपात्र कर दिया गया है, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, इसमें पात्रता का जो भूमि संबंधी निर्धारण है वो नगर परिषद के द्वारा नहीं किया जाता है। सूची यहाँ हमें आवेदन प्राप्त होने के बाद हम प्रारंभिक जांच उसकी करवाते हैं, और प्रारंभिक जांच में यदि वो पात्र पाया जाता है प्रथम दृष्टया, तो भूमि संबंधी जांच के लिए ये प्रकरण हम तैयार करके PIC के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी को हम प्रेषित करते हैं। वहाँ भूमि संबंधी जांच वहाँ से होती है और भूमि के विषय में पात्रता का निर्धारण उन्हीं के द्वारा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।